चैनल मेरा नाम अमित और वीडियो में स्वागत है आपका। और आज का ब्लॉग होने वाला है करोल बाग के बारे में। अभी मैं खड़ा हूँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा आपको करोल बाग मार्केट में और उसके साथ आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर क्या क्या है। तो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन करोल बाग पर और आपको बता देता हूँ ये है सामने पूसा रोड। और मैं बताता हूँ कि अगर आपको करोल बाग आना है तो जो ये वाला हिस्सा है सीए का ये जाता है पूसा रोड की तरफ और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको लेके जाएगा कनॉट प्लेस की तरफ। अगर आप कनॉट प्लेस की तरफ से आते हो अंदर आपको मैं थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ। तो गाइस इस समय मैं खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन के सामने, वो है करोल बाग मेट्रो स्टेशन। यहाँ सामने लिखा हुआ है करोल बाग मेट्रो स्टेशन। अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि अगर आपको करोल बाग आना है तो अगर आप सेंट्रल दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको जो है कनॉट प्लेस से आप यहाँ से होते हुए आओगे और जो कि कनॉट प्लेस और झंडे वालन से होता हुआ रास्ता आता है। और अगर आप इधर से आते हो तो पूसा रोड की तरफ से जो है आओगे, ये पूसा रोड का रास्ता है जो कि पटेल नगर के साइड से होता हुआ आता है। तो सबसे पास मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो झंडे वालन है, लेकिन आपको राजीव चौक की तरफ से आना पड़ेगा तब आप जो है मेट्रो स्टेशन पर आ सकते हो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर और कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है जो कि आपको कनेक्ट करता हो। अभी तो मैं खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन के सामने और मैं बता दूँ कि जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरते ही ना आपको यहाँ पे चारों तरफ जो है मार्केट दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से पूरा और ये पूरी जो है मार्केट जो है पटरी मार्केट बोल लीजिए, यहाँ पे सारी जो है छोटी बड़ी स्टॉल्स लगी हुई है और मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर में यहाँ देखिए यहाँ पर भी लगी हुई है हर तरह के क्लॉथिंग वगैरह सब कुछ। ये देखिए ये है घड़ियों की शॉप, ये देखिए मोबाइल एसेसरीज है यहाँ पर और टी शर्ट्स की शॉप है, काफ़ी सारी जो है शॉप्स यहाँ पे जो आपको मिल जाएगी जो सिर्फ करोल बाग के जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे है। अब मैं बता देता हूँ ये जो रोड जा रहा है इसको बोलते हैं अजमल खान रोड और अजमल खान रोड के। तो गाइस सबसे पहले जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेट्रो स्टेशन के सबसे पास में जो आपको है यहाँ पर खाने पीने की जो स्टॉल्स है और शॉप्स है वो मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है जस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने और इधर जो है शॉप्स मिल जाएगी आपको। तो बहुत सारे लोग जो मेट्रो स्टेशन पर आते हैं ना करोल बाग पर तो अक्सर कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो ये छोटी छोटी शॉप्स जो है यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे खाने की जो है ना स्टॉल्स लगी है, यहाँ पर काफ़ी सारी फास्ट फूड की जो शॉप्स है वो यहाँ पर है अजमल खान रोड के जस्ट बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ में। और आगे चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। और अब चलते हैं मेन जो रोड की तरफ जो है अजमल खान रोड। यहाँ से आपको जो है गफ्फार मार्केट में जाने के लिए ई रिक्शा भी मिल जाएंगे जो कि यहाँ से होते हुए और दूसरी तरफ रोड पे जाते हैं। ये मैं आपको मार्केट की लेन दिखाता हूँ यहाँ से। ये वाली जो मार्केट की लेन है ये हर दिन खुली रहती है, संडे या मंडे कोई सा भी दिन हो। काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे पूरी सारी शॉप्स यहाँ पे बनी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सारी शॉप जो है ना ये सारे टाइम जो है खुली रहती है, संडे को यहाँ पे भीड़ रहती है तो पैर रखने की जगह नहीं होती, और उसके अलावा यहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम ये शॉप्स जो है खुली रहती है। यहाँ पर आपको शूज़ टी शर्ट्स पजामा शॉर्ट्स सारी शॉप्स मिलेंगी यहाँ पर। उसके अलावा ये जो अजमल खान रोड है ना यहाँ पे आपको जो है जितने भी ब्रांड आउटलेट्स हैं उन सब की शॉप्स यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये शायद नया खुला है या अभी पुराना है, वैन हुसैन का जो आउटलेट है रेमंड्स है यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको जितना हो सकता है पूरी मार्केट आपको एक्सप्लोर भी करके दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि मार्केट में क्या क्या है। तो गाइस ये जो मेन टी पॉइंट है यहाँ से मैं बताता हूँ कि अगर जो है आपको गफ्फार मार्केट जाना है ना तो सारे ई रिक्शा वाले जो है यहाँ से होते हुए और ऐसे होते हुए और आगे एक रोड है जो कि आपको पूरा गफ्फार मार्केट की तरफ लेकर जाता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो है ई रिक्शा अलाउड नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादातर सब जो है बाय ऑन फुट जो है यहाँ पे जाते हैं, पैदल जहाँ पे जाते हैं। और यहाँ से बड़े बड़े जो है यहाँ पे जितने भी शोरूम आउटलेट्स हैं यहाँ पर खुले हुए हैं। अब इस समय दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं और मैं ये ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर अमेरिकन टूरिस्टर, और ये देखिए सामने जो है टाइटन वर्ल्ड्स, ये जो है आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से ये काफ़ी लंबी रोड है जो सीधा आपको जो है ना
कफार मार्केट की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ पे छोटे बड़े काफ़ी सारे शोरूम्स और आउटलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। देखिए ये है वाइल्ड क्रॉक पर्पल लुइस फिलिप यहाँ पे है। और बीच बीच में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो छोटी छोटी गलियों की जो लाइन बनी हुई है ना, यहाँ पर भी आपको जो है जैसे लाइन बनी हुई है तो यहाँ पे दोनों तरफ और इस साइड में आपको छोटी बड़ी शॉप्स मिल जाएंगी, टी शर्ट्स की और ज्वेलरी की शॉप्स की, ऐसे काफ़ी सारी। ये देखिए ये वेस्ट साइड का शोरूम है यहाँ पे, ये यहाँ पर है। सामने है ब्लैकबेरी, एक देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी रो है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे कपड़े जो है आप खरीद सकते हैं यहाँ पे आके। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ये देखिए यहाँ पर सामने जो है हश पपीज़ की है और काफ़ी बड़ी लोकल और इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उन सब के यहाँ पर आउटलेट है, मोंटी कार्लो। और ये देखिए सामने पीटर इंग्लैंड लेवाइस का शोरूम है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है ग्रूम पैलेस लेवाइस के जस्ट सामने, और यहाँ पर एक पंजाब स्वीट कॉर्नर है यहाँ पे, ये बिल्कुल जो है सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है। गर्मी की वजह से गाइस क्राउड काफ़ी कम है। ये देखिए ये है रूपक स्टोर्स, ये अचारों का आउटलेट है, ड्राई फ्रूट्स का। पार्क एवेन्यू यहाँ पर है, नायका लैंडस्कार्ट सफारी प्योर कलेक्शन यहाँ पर। देखिए ये बाटा का शोरूम है यहाँ पे ऊपर सामने, ये हो गया किन्स है। और ये रोड आपको जो है गफार मार्केट लेके जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए ये है यहाँ पे कैंटबिल फास्ट ट्रैक, इस तरफ में पैंटलून्स है गो कलर्स। और अगर आप पैदल आते हैं तो आपको मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं अभी पैदल ही चल रहा हूँ। और ई रिक्शा अलाउड नहीं होता है यहाँ पर, तो जनरली लोग कफार मार्केट से यहाँ तक पैदल ही आते हैं। ये आ गया VIP बैंसन और वुडलैंड का शोरूम है यहाँ पर। उसके अलावा जयमाला पर्स एम्पोरियम मामा अर्थ का आउटलेट है, ऐसे बहुत सारे आउटलेट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो ये मेन जो है रोड है अजमल खान रोड, दोनों साइड में जो और दूसरे रोड्स हैं वो आपको अलग अलग लोकेशन पे ले जाएंगे। करोल बाग जो है काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी बड़े एरिया को जो है कवर करता है, तो मेन यहाँ का अट्रैक्शन जो है इस रोड का यही है। ये देखिए सामने है सॉफ्टी बॉय का आउटलेट, गोपाल जी, ऑक्टेव, लिबर्टी। तो गाइस सामने जो है आपको दिखाता हूँ वो है सामने, और ये वाला हिस्सा जो है गफार मार्केट का है। पहले मैं आपको उस चौक पर लेके जाता हूँ, वहाँ से फिर आपको जो है गफार मार्केट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर एक बर्गर किंग भी है सामने, ये खुला हुआ है अभी, ये न्यू खुला है यहाँ पर। तो गाइस ये तो जो है ना मेन चौक आ गया है, इसको गफार मार्केट का चौक बोली से, वैसे जो चौक है उस साइड में पड़ता है। मैं आपको यह वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है फिर एक छोटी एक और मार्केट है यहाँ से आगे पड़ती है। सामने लिखा हुआ है वेलकम टू गफार मार्केट, व्यापार मंडल का है, सॉरी व्यापार मंडल लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं लेके चलूँगा गफार मार्केट की तरफ। तो पहले अंदर लेके चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी जो है बैग्स की जो है शॉप्स है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे जो है अगर बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे बैग्स लेने के लिए आ सकते हैं। बाकी गफार मार्केट के अंदर चलते हैं। और ये देखिए गाइस ये है कॉप का शोरूम, यहाँ पर ऑफर चलते रहते हैं। और ये मेन जो है मार्केट के लिए अंदर जाने का रास्ता है, अगर आप अजमल खान रोड से आते हैं तो आप यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे बीच में छोटी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे गारमेंट्स की बैग्स की। अब आप देखिए यहाँ से ये यहाँ पे जो है सारी शॉप्स शुरू हो जाती हैं गफार मार्केट की, क्योंकि गफार मार्केट जो है बहुत ही बड़ी मार्केट हो चुकी है और हर रोज़ जो है न्यू दुकान शॉप्स जो है यहाँ पर खुलती रहती है। तो जहाँ पहले काफ़ी छोटी मार्केट हुआ करती थी, अब जो काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी है और काफ़ी मार्केट्स शॉप्स जो है यहाँ पर बन चुकी है। तो सारी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। देखिए और मोबाइल से रिलेटेड A to Z जितनी भी एसेसरीज है वो सबको आप यहाँ पे जो है मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट उधर है, इस तरफ है,
ये सारे जो है होलसेल मार्केट है, मार्केट से रिलेटेड कोई सी भी चीज़ होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए गाइस, गर्मी होने के बावजूद भी मार्केट में बहुत भीड़ है, और मैंने जैसे कि बताया कि सारी जो है मार्केट बड़ी होती जा रही है दिन ब दिन, और काफ़ी सारे जो है न्यू चैम्बर्स जो है वहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी एलएससीज है, देखिए यहाँ सामने मार्केट है, सामने वहाँ मार्केट है, सारे एक से बढ़कर एक कवर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अंदर तक जो है मार्केट पूरी एक्सपेंड करती है। यहाँ पर भी है टेम्पर्ड ग्लास, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, एक्स वाई जेड, जो भी मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज है वो यहाँ मिलेगी। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपने यूबॉन ब्रांड का नाम सुना होगा, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो है उस ब्रांड के नाम जो है सुना हुआ है। तो अक्सर मार्केट में लोग आते हैं तो उस ब्रांड को खोजते हुए आते हैं कि यूबॉन का सामान कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, क्योंकि जितने भी ये वाली जो मार्केट है और जितना भी ये जो आउटलेट्स हैं सारे के सारे, यहाँ पर आपको वो वाला सामान नहीं मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ कि यूबॉन का जो आउटलेट है, जो आप सामने यहाँ पे गली देख रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाती राइट में अंदर चैम्बर में एक रास्ता जा रहा है, ये वाला जो रास्ता है, तो यहाँ सामने जो जा रहा है वहाँ पे यूबॉन का जो है होलसेल का जो शोरूम मिल जाएगा आपको, जहाँ पे यूबॉन से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज मिलेगी वो सब मिल जाएगी। और मैंने दिखाया था आपको ये वाला रास्ता जो है, ये सीधा वापसी जो है मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर ई रिक्शे वाला आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो है सीधा रास्ता मेट्रो स्टेशन जाता है। आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि गफ्फार में और क्या क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पर भी बाहर जो है छोटी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, और उसके अलावा क्योंकि लोग गफ्फार मार्केट आते हैं मोबाइल रिपेयर कराने के लिए, यहाँ देखिए लैमिनेशन की शॉप्स है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे सारा जो है रिपेयरिंग का काम होता है। तो मैक्सिमम जब लोग आते हैं तो वो सब रिपेयरिंग करवाते हैं यहाँ से लेके, यहाँ देखिए कि सारी की सारी रिपेयरिंग की शॉप्स है। फोन वोन दिख रहा है तो यहाँ पे आओ। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे ना ये पूरी जो रो दिख रही है ना आपको, ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए है। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी, बाकी और आपको दिखाता हूँ। और इस साइड में भी ये देखिए यहाँ पर भी शॉप्स है बहुत सारी। ये जो है मेन गफ्फार मार्केट का चौक आ गया, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये जो है, ये वाला जो चौक है, ये पूरा जो चौक आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये गफ्फार मार्केट का चौक है। सामने ये सारा है गफ्फार मार्केट का एरिया, सामने एक बहुत ही बड़ी फेमस रविराज दी कुल्फ़ी, रविराज दी कुल्फ़ी जो है इसकी शॉप है यहाँ पर। तो गर्मी के मौसम में जो है आप अगर कुल्फ़ी का आनंद लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भी पार्किंग है, अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो। आगे कार पार्किंग है, और जो सबसे पुरानी गफ्फार मार्केट है वो ये वाली मार्केट है, मैं उसमें अंदर आपको लेके चलूँगा। ये देखिए गाइस, ये जो है चौक है, और क्योंकि करोलबाग का एरिया बहुत बड़ा है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से ना रोड्स ऐसे करके यहाँ पे भी जाती है और सामने भी जाती है, और अगर आप वापसी मुड़ते हैं तो आप मेट्रो स्टेशन जो है उधर की साइड में जो है मेट्रो स्टेशन का लिए रास्ता जाता है, जो कि आप ई रिक्शा वगैरह पकड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। और गाइस अब जब आप पार्किंग के लिए आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाता हूँ कि एक पार्किंग तो आपको यहाँ मिल जाएगी, ये वाला जो है ये पार्किंग है यहाँ पे, एक तो ये मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो गाइस ये जो है उधर पार्किंग है, और इस तरफ भी पार्किंग है। तो गाइस देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा जो है पार्किंग का है। ऊपर चलता हूँ मेन गफ्फार मार्केट में, वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो गफ्फार मार्केट है ना, ये वाला जो एरिया है ये सबसे पुराना एरिया है गफ्फार मार्केट का, जहाँ पे कि आज से नहीं कम से कम 20 साल पहले से जो है पार्क रिपेयरिंग जो है मोबाइल की हुआ करती थी, और आज भी होती है। और उसके साथ साथ रिटेल आउटलेट्स तो यहाँ पे बने हुए हैं सारे के सारे। ये देखिए एक से बढ़कर एक जो है मोबाइल के कवर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी जो है मोबाइल की एसेसरीज जो है यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए, ये जैसे कि आईफोन के जो आईपोड्स होते हैं उनके कवर है यहाँ पे, ये मोबाइल के कवर है, मोबाइल की लैमिनेशन जो है वो मिल जाएगी आपको। ये देखिए एक से बढ़कर एक जो है मोबाइल की लैमिनेशन यहाँ पर रखी हुई है, और मोबाइल
टेम्पर्ड ग्लास कवर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर एक से बढ़कर एक। मैं दिखाता हूँ कवर की वैरायटी यहाँ पे कितनी सारी है, ये देखिए हर ब्रांड के हर मॉडल के कवर जो है गफ्फार मार्केट में मिल जाएंगे। बाकी गफ्फार मार्केट भरी हुई है, ये रिटेल मार्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग भी यहाँ पर होती है, सब कुछ यहाँ होता है मोबाइल से रिलेटेड। आपकी कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई है मोबाइल से रिलेटेड तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो ये सबसे पुरानी मार्केट है गफ्फार मार्केट जो है। और अभी हम नीचे चलता हूँ, जब उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक और जगह। अगर देखिए यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी, ये सारी रिटेल मार्केट है। आपको एक जगह दिखाता हूँ, अगर आपको आप यहाँ पे आते हो और कुछ खाने पीने की चीज़ ढूंढ रहे हो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत पुरानी शॉप है छोले भटूरे की, वो मैं आपको यहाँ पे कवर दिखाता हूँ। ये भी जो एरिया है ये पूरा जो है गफ्फार मार्केट का ही एरिया है। मैं आपको अभी घूम के दूसरी साइड से दिखाऊंगा। इधर मिलेगी आपको छोले भटूरे की दुकान, ये है चाप शॉप, और ये भी जो मार्केट पूरा है रोज़ आगे जाती है वो पूरी गफ्फार मार्केट से रिलेटेड है। अभी मैं वापस उधर से निकलता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो एक से बढ़कर एक जो है मोबाइल कवर्स की वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, और हाई क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास वगैरह सब कुछ जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। ये देखिए कवर्स, एसेसरीज, सारी चीज़ें। तो ये मैंने ये वाला हिस्सा दिखाया आपको गफ्फार मार्केट का। अभी और भी मार्केट बड़ी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल जो अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये एक और एरिया जो है गफ्फार मार्केट का है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, ये है चौक, यहाँ पे मिलेगी जूस की शॉप, सामने जो है छोटी बड़ी दुकानें हैं खाने पीने की। अब मैं अभी आपको यहाँ से लेकर ऐसे लेकर जाऊँगा, तो मैं दिखाता हूँ जो सामने वाला रोड आ रहा है। ये देखिए ये जो सामने वाला रोड है ये आपको वापस जो है करोल बाग पुलिस स्टेशन के पास हो जाएगा, जो कि जो बड़ा जो रोड है देशबंधु गुप्ता रोड, ये जो आपको वापस जो है झंडेवालन की तरफ लेकर जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी ये रही गफ्फार मार्केट। पार्किंग के लिए बता देता हूँ कि एक पार्किंग मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पर एक पार्किंग जो है आपका यहाँ मिलेगी, और थोड़ा सा अंदर जब जाते हैं ना तो वहाँ पर एक पार्किंग है, मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये जो है गफ्फार मार्केट का एक और एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि मार्केट जो है ना एक्सपेंड होती जा रही है रोज़ के रोज़ हर रोज़। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, इधर भी है, और ज़्यादातर होलसेल और रिटेल दोनों का काम यहाँ पर होता है। तो फ़िलहाल जो है आप देख ही रहे हैं सारी शॉप्स है यहाँ पर। उसके अलावा दोनों साइड में जो है आपको मिलेगी, बाकी पार्किंग मैंने आपको दिखाया, दोनों साइड पार्किंग भी अवेलेबल है। ये देखिए सामने यहाँ पर। तो गाइस एक छोटा सा काम भी था मुझे मार्केट में, उसे भी मैं पूरा करता हूँ और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा ही रहा था कि दोनों साइड में जो है आपको छोटी बड़ी शॉप्स मिल जाएंगी, बाकी खाने पीने की शॉप्स है यहाँ पर। ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये भी रास्ता जो है आपको जो है गफ्फार मार्केट के अंदर ही लेकर जाता है, लेकिन जो मेन मार्केट मैंने बताया, क्योंकि जगह की कमी होने की वजह से ना बहुत सारी शॉप जो है मोबाइल की वो कुछ अलग अलग जगहों पे खुल चुकी है। उधर से एक मार्केट वहाँ पे भी है, मैं अभी इधर चलता हूँ लेफ्ट में, और लेफ्ट से फिर वापस राइट आऊँगा तब दिखाऊँगा आपको। बाकी ये देखिए यहाँ पे भी शॉप्स तो यहाँ पर बनी हुई हैं जो कि चौक पर है। सामने जो है पुलिस चेक पोस्ट है, सामने ये वाला रोड जो है वापस जो है मार्केट की तरफ ले जाता है, और ये वाला जो रोड जो आगे जाएगा ना मोटरसाइकिल जो बाइक रिपेयरिंग की मार्केट है वहाँ ले जाता है। आगे सामने आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा। तो ये वाला जो रोड है गाइस ये आपको लेकर जाएगा करोल बाग पुलिस स्टेशन के पास में, और यहाँ पर एक फेमस शॉप है रोशन दी कुल्फ़ी करके, तो ये काफ़ी बड़ी जो है आउटलेट है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। ज्वेलरी की कुछ शॉप लेफ्ट साइड में बनी हुई है, राइट साइड में आपको है जो रिटेल्स की शॉप मिलेगी क्लॉथिंग की, लेकिन इधर जितना भीड़ रहती नहीं है क्योंकि जो सारी भीड़ है वो मैंने आपको दिखाया था अजमल खां रोड और गफ्फार मार्केट के आसपास ही बनी हुई होती है। बाकी यहाँ पे भी गारमेंट्स की शॉप है काफ़ी आगे तक। तो गाइस ये है करोल बाग का ब्लॉग, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे रोड जो है आगे रोड ख़त्म हो रही है।
यहाँ पर भी जो है शूज़ की जो शॉप्स है बहुत सारी, काफ़ी सारी शॉप्स है। ये देखिए काफ़ी अंदर तक जो है शूज़ की दुकानें यहाँ पर हैं काफ़ी सारी। सारा जो है रिटेल आउटलेट्स है यहाँ पे, बैग्स की शॉप, बाकी कपड़े की दुकानें हैं। गर्मी की वजह से क्राउड थोड़ा सा कम है मार्केट में, लेकिन वैरायटी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मिल जाएगी। और ये बिल्कुल एंड ऑफ द रोड आ गया। तो गाइस ये हो गया एंड ऑफ द रोड। सामने जो है और सारे कवर हो गए भाई, सारे कवर हो गए। तो गाइस ये वाला जो रास्ता जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वापस आपको पहाड़गंज लेकर जाएगा। ये पूरा रास्ता पहाड़गंज लेके जाएगा। और सामने लेफ्ट साइड में जो है आपको ये पुलिस स्टेशन चौकी, और वापसी जब आप दोबारा लेफ्ट से इधर मुड़ते हैं तो गफ्फार मार्केट के लिए आप चले जाते हैं। सामने जो है सारा जो है अजमल खान रोड का रोड है, यहीं से शुरू होता है। जो लोग बाहर की साइड से आते हैं ना, उस साइड की तरफ से, तो उनको यहीं पे उतरना पड़ता है और अजमल खान रोड जाने के लिए ये वाला रास्ता आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया ही आपको, इस लोकेशन पे इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन शॉप्स जो है शूज़ की शॉप्स यहाँ पर काफ़ी सारी है, जैसा कि ये दिखाया मैंने। और शूज़ की दुकान इस साइड होने का कारण ही यही है कि यहाँ पर जो है होलसेल मार्केट है शूज़ की। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो है मैं वापस चौक पर आ गया हूँ, उसी चौक पर जो मैंने बताया था आपको। और इस चौक पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सारी क्लॉथिंग्स की शॉप है यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ पे सारा जो है क्लॉथिंग्स का है। ये देखिए चश्मे की शॉप, और यहाँ घड़ियों की है, छोटे बच्चे, बड़े बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी सारी शॉप्स। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर बड़ी बहुत भीड़ रहती है। थोड़ा सा अभी धूप का माहौल है, इस वजह से क्राउड थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो सामने जो अजमल खान का रोड है वहाँ से लोग सारे जो है इधर की तरफ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। राइट साइड में गफ्फार मार्केट है, इस साइड में जो है और दूसरा सेक्शन है। ये देखिए सारा शॉप्स इधर भी। और जो गफ्फार मार्केट का ये बीच बीच में सेक्शन है, एक दो तीन, लगभग दो और तीन ऐसे जो जगह है वहाँ पर काफ़ी बड़ी जो है छोटी बड़ी काफ़ी पुरानी शॉप्स है यहाँ पर। और क्योंकि मार्केट गफ्फार मार्केट बहुत साल पुरानी मार्केट है, मार्केट एरिया पूरा का पूरा ये सारा क्राउडेड रहता है। सामने जो है शूज़ की मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ, होलसेल मार्केट है शूज़ की। ये देखिए इसी वजह से शूज़ जो है आपको बाहर साइड में भी काफ़ी सारे बिकते हुए मिल जाएंगे। बाटा का शोरूम है यहाँ पे शायद, ये सब पजामा टी शर्ट्स सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। उधर भी उस साइड में भी शॉप है, ये देखिए यहाँ पे सामने। ये देखिए गाइस, मार्केट के अंदर ज़्यादा वीडियो बनाना पॉसिबल होता नहीं है, नहीं अदरवाइज़ फिर वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ हाईलाइट दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में आते हैं तो क्या क्या मिल सकता है। ये भी देखिए काफ़ी लंबी रो है, आगे तक जो है मार्केट है यहाँ पर। गर्मी की वजह से थोड़ा भीड़ कम है यहाँ पर, तो अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। ये देखिए, तो ये वापस मैं अजमल खान रोड की तरफ, सामने मेरे जो है अजमल खान रोड है मेट्रो के लिए। और तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सामने जो है वो है अजमल खान रोड, पीछे मेरी गफ्फार मार्केट, सामने जो है बैंक स्ट्रीट पड़ती है, और ये जो है आर एस समाज रोड है। जब आप बिल्कुल सामने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आपको कार की और मोटरसाइकिल्स की जो रिपेयरिंग की और मॉडिफिकेशन की मार्केट है पूरी आगे तक जाती है, और वो झंडे वालन जो चौक है वो वहाँ पर आपको लेके जाती है। तो ये रोड काफ़ी लंबा और स्ट्रेच करता है आगे तक। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया यहाँ पे। तो गाइस ये ब्लॉग हुआ यहाँ पे ख़त्म, करोल बाग का। आपको मैंने करोल बाग के बारे में जितना हो सकता था उतना बता दिया आपको। मैंने गफ्फार मार्केट भी दिखा दी, उसके अलावा करोल बाग और बाकी जो भी एरियाज़ है वो मैंने सारे दिखा दिए वहाँ पे। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो बीच में आप ब्लॉग देखते हुए
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यूज़फुल लगती है तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो ये था ब्लॉग करोल बाग का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।